थोड़ा सा और इधर, थोड़ा सा और अंदर कट, हाँ वहीं पे बस। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज का हमारा काम है आज, तो हम आज ये सारी खिड़कियाँ वगैरह जो हैं, ये देखिए ये जो खिड़कियाँ वगैरह हैं ये सारे आज हम पेंट करेंगे, क्योंकि ये सारे देखिए पेंट नहीं हो रखे और सारे गंदे हो रखे हैं। तो दिवाली का टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ सारा पेंट कर दूँ खुद ही, और आज हम पूरे दिन पेंट करेंगे और मैं आपको दिखाऊँगा सारी एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। और तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं इसी के साथ, और मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो गाइज मैं सारा सामान ले आया हूँ, ये देखिए ब्रश और ये प्राइमर है जो लकड़ी का प्राइमर है, और दो डब्बे हैं जिसमें मैं डालूंगा ये तारपीन ऑयल है। तो मैं बनाता हूँ थोड़ा सा और अपने हिसाब से बना लेता हूँ जितना मुझे कर सकूँ मैं, या स्क्रू ड्राइवर लेके आ। तो देखिए गाइज खुल चुका है ये, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये देर जम ना जाए। ऊपर वाला वो निकाल दे, ऊपर वाला वो निकाल दे जो जम ना, तो नीचे था। मैंने एक दिन पेंट करा था इसमें तो मैंने अच्छे से बंद किया था, बट फिर भी कोई बात नहीं। तो गाइस मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से पहले, और दो डिब्बों में डालूंगा, एक मैं करूँगा और ये कि कैमरामैन करेगा मेरा। तो डाल लेता हूँ इसमें क्या पेंटर बनेगा नहीं तो। और मैंने इसको कर दिया है बंद कर देता यार, ताकि हवा ना चली जाए इस तरह की, अगर हवा गई इसके अंदर तो सारा जम जाएगा पेंट मेरा। पेंट नहीं है प्राइमर है लकड़ी का, मैंने इसको कर दिया अच्छे से बंद, ठीक है। इसको मैं करता हूँ साइड में, और अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि मैं इसमें अभी ऑयल मिलाऊंगा, और ऑयल मिलाने के बाद ये ज़्यादा बन जाएगा। और मैं देखिए इसमें तारपीन का ऑयल डाल रहा हूँ, तो मैं इसको करता हूँ मिक्स अच्छे से। मेरे ख्याल से और डालना पड़ेगा यार, पेंट बहुत कम है। पेंट का ट्यूटोरियल हाउ टू मेक पेंट अच्छे से मिला। तो मैं इसको कर रहा हूँ अच्छे से मिक्स, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। यार ये धूप में रखे काला हो गया ना ऑयल, खराब हो जाता है। चलो मिक्स करो भाई। देखो तो गाइस ये इसको देखो, धूप में रह के इंसान काले होते हैं, मेरा तेल भी काला हो गया है। ये देखो इसका कलर कुछ और था, अब देखिए पूरा काला हो चुका है। तो सोल्यूशन जो भी मैंने बनाना था, अब यार बहुत कम है यार, और डालूं? हाँ डाल यार, और डाल, और बना लेता हूँ मैं क्योंकि बहुत कम है यार। ठीक है डाल डाल दे। हाँ पेंट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पेंट स्टार्ट करते हैं अब, चलो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
पूरा कर दिया है और अब मैं अंदर का ये कर रहा हूँ, प्राइमरी स्प्रे मार रहा हूँ। तो अभी बहुत सारा है, अभी अंदर से भी बाहर से भी और पीछे भी है, तो एक दिन में तो नहीं कंप्लीट होगा, बट मैं कर रहा हूँ। चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद। और थोड़ी देर भाई ये मेरे से जबरदस्ती काम करा रहे हैं यार, बस थोड़ा सा और रह गया है मेरा पेंट करने का, वो भी मैं फटाफट कर लेता हूँ, फिर मैं नहाऊंगा और नहा के फिर चलेंगे कहीं घूमने फिर से आज। यो मिशन पास्ट। ये देखो सारा गंदा हो गया मैं पूरा, बट मैं इसको सब कुछ उड़ाऊंगा और नहा के मैं आपसे मिलता हूँ। तो यार अब इसको कर लेते हैं ब्रश को साफ, ये टर्पिन ऑयल से इसी से साफ होता है क्योंकि पानी वगैरह से साफ नहीं होगा, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ब्रश खराब हो जाएगा, सारा जम जाएगा। तो इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से, और हाथ पर जो पेंट लगा हुआ है उसको भी साफ कर लेते हैं, थोड़ा और डाल देता हूँ यार। ठीक है, इससे साफ करते हैं इसको फटाफट ताकि साफ हो जाए। देखो टर्पिन ऑयल से बिल्कुल साफ हो जाता है, तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ पहले, उसके बाद रख देंगे इसको ताकि अगली बार भी इसको यूज कर सके। तो भाई ये मेरे हाथ वगैरह पे लग चुका है, तो मैं टर्पिन ऑयल से इसको छुड़ा देता हूँ, मैंने ब्रश को साफ कर दिया है। यहाँ देखो ब्रश साफ यूज कर दूंगा और हाथ को पूरे अच्छे तरीके से साफ कर लेता हूँ, इसी साफ होगा और साफ नहीं होगा मैं पेचकस को साफ कर लेता हूँ यार, क्योंकि अगर इसके आगे लग गया तो ये खोलने का काम करना बंद कर देगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ, अपने हाथ वगैरह धो के अच्छे साफ कर लेता हूँ पहले, उस पर मिलता हूँ मैं आपको। तो मैंने हाथ मुंह धो लिया अच्छे से, देखो 15 मिनट लगे सारा पेंट छुड़ाने में, और मैंने लिया है अपने लिए कुलचे, तो मैं खाऊंगा और खा के बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है ना। ठीक है, एवरेज है। चलिए मैं इसको ख़त्म करके आपसे मिलूंगा। गाइस मैं आया था वीडियो की एडिटिंग करने, बट यहाँ विंडोज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं देखिए विंडो में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये रिपेयर हो रहा है विंडो, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा रिपेयर होने में, और तो वेट करते हैं क्योंकि मुझे एडिटिंग आज करके और आज मुझे वीडियो अपलोड करनी है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको रिपेयर। ये पेंट कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा गंद लगा हुआ, तो पहले मैंने इसको सारी साफ सफाई की है और अब मैं फाइनली इस पर प्राइमर मार रहा हूँ, इसके बाद फिर पेंट भी मारना पड़ेगा, तो अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है मुझे इसको कंप्लीट करने में। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत अभी कंप्लीट करता हूँ, पेंट वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैं आया हूँ अभी छत पे और हम लगा रहे हैं लड़ियाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लड़ियाँ लेके आया हूँ और कुछ पिछले साल की भी हैं, तो हम लगाएंगे अभी और यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ नीचे लटकाएंगे यहाँ से। कौन कौन सी लगानी है? सब लगा देंगे। ये वाली जला के देखिए। हाँ जल, देखते हैं यहाँ पे उधर जला के देखता हूँ कहाँ इसका प्लग कहाँ है। एक्सटेंशन की लोड भी वहाँ जाके जला ले, चेक कर ले। अद्धी जल रही यार, अद्धी जल रही है। हाँ फ्यूज है कोई बल्ब? बाकी सारी तो सही है, ये वाली अद्धी जल, इसको ऊपर ही लगा देना यहीं पे, है ना। देखते हैं यार कैसे लगाना, कैसे लगाना, लटका के लगाना? लटका के लगाते हैं, सीधी 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 में बहुत लड़ी नहीं लड़ियाँ कहाँ सीधी सीधी भी, और लेके आनी पड़नी फिर। कितनी लगाने हैं? 5 ही लटका देंगे ना, यूं करके लटका देना वी शेप में ऐसे, और क्या, फिर सीधी सीधी और लेके आनी पड़नी, यहाँ कम से कम सीधी सीधी 10 लग जाएगी। टेपियो किधर है टेप? ये ले, टेप नहीं यार, वो धागा बंद है इसका, वो कटर कहाँ गया अपना, कट ले उससे।
हाँ इतनी बहुत है, ठीक है ठीक है, उतनी उससे ज़्यादा मत लटका। सब इतनी इतनी खोल ले, सारी खोल खोल ले। ब्लिंक वाली नीचे लगानी थी, ये ब्लिंक छोड़ना है, तो लगा दे वाइट वाली, अच्छी है। गाइस ये देखो मैंने सारी लड़ियां लगा दी हैं यहाँ नीचे, ये देखो सारी मैंने लटका दी है नीचे, मैं नीचे से दिखा दूंगा आपको। और अभी बस इसका कनेक्शन रह गया, क्या करना, और कनेक्शन करने के बाद जला कर दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी तो नहीं कनेक्शन कर रहा मैं, अभी थोड़ा मैंने काम से जाना है, तो शाम को मैं आपको दिखाऊंगा जलाकर इसको कनेक्शन करने के बाद। तो गाइस यहाँ पे मैं आया हूँ सोफ़ा लेने, और यहाँ देखिए काफ़ी सारे सोफ़े पड़े हुए हैं, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इनमें से कोई एक सोफ़ा, और इसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये मैंने लड़ियाँ लगा दी हैं, और ये देखिए यहाँ के दो मैंने जब भी कनेक्शन नहीं किया है, तो इसकी कल करूँगा मैं, अभी रात हो गई है। और यहाँ देखो कुछ इस तरीके का, अभी अंदर लगानी बाकी है, सबको कल करेंगे। तो आज हम थोड़े बहुत बाहर की डेकोरेशन करेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। मैंने ऊपर की लाइटिंग तो कर दी थी कल, तो आज हम थोड़ी बहुत डेकोरेशन करेंगे। और कल धनतेरस था, तो मैं कल कुछ सामान लेके कि चेयर लेके आया हूँ, और मैं और ये एक सोफ़ा लेके आया हूँ, ये पूरा सेट। तो चलिए बाहर के डेकोरेशन करते हैं, और डेकोरेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। डेकोरेशन, और यहाँ पे लड़ी में चल नहीं रही है अभी, शायद कोई बल्ब फ्यूज हो गया, तो इसको शाम को देखता हूँ मैं। तो अभी जाता हूँ मैं बाजार, और थोड़ा बहुत सामान और लेके आना, तो वो लेके आता हूँ फिर। तो गाइस अब हम यहाँ पे लड़ियाँ लगा रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी डेकोरेशन करेंगे टीवी के पास, तो इसको फटाफट लगा लेते हैं। और सीधी सीधी लगा दे, और यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच आता हुआ। थोड़ा सा और इधर, थोड़ा सा और अंदर कट, हाँ वहीं पे बस। तो गाइस हमने सारी लाइटिंग वगैरह यहाँ की कर दी है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। और चलिए वो और थोड़ा बहुत रहता है वो करके मैं आपको फिर। दोस्तों आपका एक नए दिन के साथ, तो आज दिवाली है, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज थोड़ा हम शॉपिंग वगैरह करेंगे, और घर को थोड़ा बहुत और डेकोरेट करेंगे। और अभी फ़िलहाल साफ़ सफाई चल रही है, ये देखो गाइस यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है, ये हमारा मंदिर है यहाँ का। और यहाँ देखो यहाँ सारा सामान, यहाँ सारा साफ़ कर दिया था सब, बस सारा सेटल करना है यहाँ पे। और इधर देखो यहाँ पे लड़िया मैंने कल आपको दिखाई थी, यहाँ लगा दी है मैंने। और ये जो मेरा बाहर वाला रूम था, इसमें थोड़ा बहुत मैं सोफ़ा लेके आया था, तो ये लगा दिया था मैंने, और ये चेयर लेके आया था एक, तो यहाँ का भी सेट हो चुका है। अब जा रहा हूँ मैं मार्केट थोड़ा सा शॉपिंग करने, फिर उसके बाद मैं आके आपसे मिलता हूँ। हम जा रहे हैं अभी मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करने, और उसके बाद आके मैं आपसे मिलूँ। तो गाइस मैं मार्केट से आ गया हूँ, और अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत दरी बिछा रखा हूँ यहाँ पे,
मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो खाना फटाफट खत्म कर लेता हूँ। ये खाना, चलिए मैं खा के आपसे बाद में मिलता हूँ। जब सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है तो अब मैं नहा लेता हूँ, और नहाने के बाद फिर देखते हैं, अगर मार्केट घूमने वगैरह जाना होगा तो जाऊँगा, और फिर मैं अब आपको मिलूँगा शाम को। तो चलिए मैं नहाने के बाद आपसे। न्यू फोन नहीं है, न्यू फोन पुराना है। हैप्पी दिवाली। पुराना नहीं है, दिवाली में इतना मेरे फोन आ रहे। हैप्पी दिवाली भाई। और कितने का लिया? पुराना है। चल, अरे वही वाला है। आंटी जी, हैप्पी दिवाली। मैं ब्लॉग बना रहा, ब्लॉग में आ रहा, तू फेमस होएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो, चैनल नेम इज वेबपोस्ट, है ना। मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, उसको जरूर आप पोस्ट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। चल 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 अंदर चल। दो किलो तू ये तो खा पहले, तो बस। अभी शाम के 6 बज गए फिलहाल, देखिए पीछे पूरा अंधेरा हो चुका है अब, और लाइटर वोटर सबने चला दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, इधर वैसे तो पूरा जंगल है, लेकिन यहाँ इस साइड ये पूरा, इधर आगे की साइड ये मोहल्ला है, और ये इधर का मोहल्ला है यहाँ का। तो सबने लाइटर वोटर जला दिए हैं, और यहाँ इतने ही घर हैं। तो इधर इधर साइड आगे पिछली साइड मोहल्ला है कुछ, तो वहाँ रोड है, देख सकते हो आप। घंटे बाद हम पूजा वगैरह करेंगे थोड़ी देर बाद, और उसके बाद दिए दुए जलाएंगे। तो अभी टाइम है थोड़ा सा 1 घंटे का, तो मैं आपको 1 घंटे बाद फिर से मिलूंगा, और पूरा दिखाऊंगा आपको दिए वगैरह जब जलाऊंगा, जो भी वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस अब हो रही है पूजा की तैयारी, और देखो सारा सामान रखा जा रहा है। गाइस देखो, दिए में घी वगैरह डाला जा रहा है, और सारी तैयारी हो रही है, वो थोड़ी देर बाद पूजा करेंगे हम। पूजा की थाली हो चुकी है रेडी, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे पूजा। जब दिए दुए जला लेते हैं और पूजा को स्टार्ट करते हैं। आओ मैं खाली है, एक खाली है ये वाला। मोमबत्ती है? हाँ। बड़े वाली जला दूँ? हो गया ना सब। तो सारे दिए मैंने जला लिए हैं, और ये रहेगा, सारे दिए जल गए, हो गया ना सारा क्या? सारे दिए जल गए हैं। कष्ट हरा हूँ मम स्वामी, आरती करूँ गुरुदेव गोसाई, काला और कष्ट हरा हूँ मम स्वामी, व माता च पिता तमेव तमेव, बंधु च सखा तमेव तमेव, विद्या द्रविणम तमेव तमेव, सर्वम मम देव देव तमेव, सर्वम मम देव देव तमेव, सर्वम मम देव देव। दोस्तों पूजा हो गई है अब, और अब सारे दिए में
तेल डालकर जलाकर उसको छत पे और बाहर रख के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी। दोस्तों अब इसमें हम तेल और बत्ती करते हैं और इसको रख के आते हैं बाहर। चलो अब सब में यहाँ देखिए तेल डाला जा रहा है और साथ साथ बत्ती डाल के जलाएंगे। दोस्तों सारे दिए जला लिए हैं और सारे जल गए हैं, तो इसको चलते हैं सबको रखते हैं। और एक दो मैंने रख भी दिए हैं यहाँ देखो टेबल पे। तो चल उठा बे। झाड़ियों मत रखे यार। कोई नहीं, सुनो पानी है। सारी दिए रख दिए मैंने दोनों साइड और ये तीन बचे हैं, तो इसको ऊपर होता और मैं बत्ती जलाऊंगा ऊपर। हवा काफी तेज चल रही है जिसकी वजह से मोमबत्ती जल्दी आएगी शायद। ऊपर जलाते हैं यहाँ तो मुश्किल ही है जलना। हवा चल रही है, देखिए गाइस नजारे। तो गाइस ये ऊपर भी मोमबत्तियाँ वगैरह लगा दी है बट हवा चल रही है तो सारी बुझ रही हैं। जला तो दिए मैंने, वो देखो उधर भी जला दिए, उधर भी जला दिए बट हवा चल रही है तो बुझ जा रही है। और यहाँ देखो पटाखों की आवाज़ें आ रही है, वहाँ देखो सामने पटाखे चला रहे हैं और इधर लाइटिंग वगैरह हो रखी है सबकी। खाना बन रहा है, इसमें थोड़े बहुत थोड़े से चावल बनेंगे और यहाँ सब्जी बनी हुई है पनीर की और यहाँ अभी पूड़ियाँ बनेंगी। तो दाल भी है, आटा बनाया जा रहा है और यहाँ दाल है। तो अभी खाना बन ही रहा है, तो बनने के बाद जब खाने का टाइम होगा तो मैं खाना भी आपको रूम का देख लो कुछ इस तरह की डेकोरेशन की है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था ठीक है। और थोड़ा बाहर का दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइटिंग और ये दिए दुए तो मैंने आपको अभी दिखाई दिए। और ये बाहर का तो गाइस ये देखो पूड़ियां बनना स्टार्ट हो गई हैं और तेल गर्म हो रहा है, तो बेली जाएंगी पूड़ियां और साथ ही साथ तली जाएंगी। तो ये पहली पूरी बन रही है हमारी, तो चलिए पूरियां बन जाती है। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने और मैं दिखाता हूँ पूरी पनीर की सब्जी दाल और चावल है। तो ये खाने के बाद फिनिश करने के बाद मैं गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और पटाखे वगैरह मैं लेके नहीं आया था तो मैंने चलाए भी नहीं और बाकी सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई ब्लॉग में।